इस कुएं में देखने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं वो वहाँ पे मुंह निकाल के क्या है, धूप सेक रहा है। आप दिखाइए लोगों को, है ना। एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि जहरीला सांप है। तो बने रहिए आप वीडियो में, हम उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। आज नाग पंचमी और ये हमें दर्शन दिए हैं, तो ऐसा कीजिए ना, आप हमको रस्सी वगैरह का व्यवस्था करवाइए, ठीक है। हम उतरते हैं नीचे। दोस्तों हमें कुआं के नीचे उतर के इसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। हम उतरने की तैयारी की जा रही है और ये दोनों भैया का ही मतलब यहाँ पे बाड़ी है जहाँ सांप देखा जा रहा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कब तक में हम कुआं में उतर सकते हैं। क्या स्थिति अंदर का? छेदा अंदर है, घर से यहाँ से भी छेदा होगा, घर वाला भी होगा, और छेद बहुत बड़ा ज्यादा अंदर है। दोस्तों मैंने एक टेक्निक जो बोलते हैं ना, मैंने ये टेक्निक से कोबरा को फंसाने का कोशिश किया, हालांकि ये भी अनसक्सेस हो चुका है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया था। देखिए ये पानी का बॉटल जो होता है थोड़ा कड़ा टाइप का, तो हमने इसे पूरा यहाँ से अच्छी तरह से काट के फेविक्विक से चिपका के, ताकि अगर वो इधर से घुस जाए तो वापस ना आ पाए, और ये जब कोबरा घुसेगा तो क्या इसमें फंस जाएगा। लेकिन ये इसमें कोबरा नहीं फंस पाया है, ये हालांकि बहुत दिनों से कुआं में था। तो भाई ने हमें कॉल किया था कि देखो ना ये उसमें तो काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमने दूसरा आइडिया दिया। दूसरा तरकीब क्या निकाले थे आप भी जान के सोच के हैरान हो रह जाइएगा। हम दिखाते दूसरा तरकीब क्या था। तो आप देख सकते हैं यह एक लोहे का रिंग, और लोहे के रिंग में क्या है, ये रस्सी, और ये इसका आप देख सकते हैं ये फन कितना बड़ा गहराई है इसमें, है ना। आप दिखाइए वो किस तरीका से पूरा नीचे बैठ चुका है, बिल्कुल स्थिर से एकदम। अगर मान लीजिए वो उसमें आएगा तो क्या है, आप लोग को देखते रहना है, आप लोग को एक घंटा डेढ़ घंटा, है ना, एक घंटा डेढ़ घंटा बाद आके थोड़ा वॉच करना है। अगर जो इसमें वो फंसता है तो आप हमको क्विक कॉल कीजिएगा, हम उसे रेस्क्यू करने चले आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, देखते हैं हमें इसके बाद क्या मिलता नहीं मिलता है। चलिए धन्यवाद, हम फंदा लगा चुके हैं, पानी की जाल दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू से अंत तक दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ये बगीचा है, राजीव जी का बगीचा है ये, और इसी बगीचा में एक कुआं है। हालांकि आप कितने दिनों से परेशान थे इस सांप से लेकर के? लगभग एक डेढ़ महीना से राजीव जी इस कोबरा को लेकर के परेशान है।
और आपने मछली फंसाने का तो फंदा देखा ही होगा, हम आपको आज स्नेक फंसाने की फंदा दिखाते हैं। आइए कुआं के अंदर दिखाइए दर्शकों को, आप देख सकते हैं उसमें एक स्नेक फंसा हुआ है। और ऊपर के लिए जूम से आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये फंसाने का जो तरीका है कितना बेहतरीन तरीका है। हो सकता है केचला में भी होता है, केचला में भी है, वाइट वाइट हो गया। आइए दोस्तों ये देखिए, हमने अभी वीडियो में क्या बताया था, मछली फंसाने का जाल और ये स्नेक फंसाने की जाल कुछ अलग सा है। कमजोर हो गया ये तो, हम बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। आइए दोस्तों हमारे 2 महीने से ना, हाँ 1.5-2 महीने से। चलिए आइए पहले कहीं इसको, यह कोबरा 1.5-2 महीने से कुआं में फंसा हुआ था और 1.5-2 महीने से कुआं में फंसने के कारण क्या है, ये थोड़ा कमजोर हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला हो चुका है, ये इसे भोजन भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा होगा वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है बेजुआ को बचाना, और बेजुआ को बचाने के लिए राजीव भाई ने और जो टिंकू भाई ने अपना इंसानियत दिखाया है वो गजब का है। बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हो चुका है, हम चाहेंगे हम इसे जस्ट अभी ही जंगल में रिलीज कर दे, क्योंकि इनका कंडीशन कुछ सही नहीं लग रहा, बहुत बिल्कुल कमजोर हो चुका है, ये खाना भी इसे लगता नहीं मिल पा रहा होगा। अगर किसी भी इंसान को ऐसा सांप बाइट हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, किसी झाड़फूँक के चक्कर पे नहीं रहना। अगर झाड़फूँक के चक्कर पे रहिएगा तो क्या आपका जान चला जाएगा, तो सबसे पहले बाइट होने के बाद डॉक्टर के पास जाइए। और जिस इंसान को यह काट लेता बाहर निकाल ले तो उसको डरने नहीं देना, अगर उसको डराइएगा घबराइएगा कि तुमको सांप काट लिया, उसको हंसने नहीं देना। जितना वो हंसेगा जितना वो घबराएगा तो जहर क्या उतना फास्ट उसके शरीर में ब्लड में घुलेगा। जहाँ भोजन तुरंत मिल सके हम उसे वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं ये किस तरीका से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, देखिए या इतना कमज़ोर हो चुका है कि निकलने तक का इसमें ताकत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे बेजुबाओं को बचाना बहुत बड़ी बात होती है, और आप दोनों ने जो हिम्मत दिखाया हम उसका दाद देना चाहते हैं। तो दोस्तों देखा मैंने इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू अच्छी तरह कर लिया। अगर हमारा रेस्क्यू आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर देना है तो टिंकू भैया को दीजिए कि यार 1.5-2 महीना से कुएं फंसा हुआ था। हम यहाँ 1-2 बार आ भी चुके हैं देखने के लिए क्या कंडीशन है, लेकिन कोबरा कुआं बहुत गहराई था जिसके कारण हम ये कोबरा पकड़ाया नहीं। हम अपने सारे व्यूवर से कहना चाहेंगे जागरूक होइए, बेजुबा को बचाइए, हम आपके लिए 24 घंटा एक्टिव है। आप हमको जब भी कॉल कीजिएगा हम आपके सेवा में हाजिर होंगे। मिलते दोबारा फिर से और किसी नए स्नेक के साथ, आपका अपना स्नेक सेवर करण पाल धन्यवाद। और कोरोना क्या है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तभी आप इस चैन से बच पाइएगा। धन्यवाद। ज़्यादा हो तो नहीं, बहुत कम।